नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। खबरों के दौरान हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले को जनता की आवाज न्यूज चैनल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आज का इतिहास। तीन जुलाई को कई महत्वपूर्ण घटना घटी है, जिसमें मुगल सम्राट के आदेश पर 1746 में बाबा बंदा सिंह बहादुर को फांसी दे दी गई। 1710 में उन्होंने मुगलों को हराया था। मराठा सेना ने 1760 में दिल्ली पर कब्जा किया। वहीं अमेरिका ने 1819 में पहला बचत बैंक बैंक ऑफ सेविंग इन न्यूयॉर्क शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर पर सबूत मिटाने और गलत तरीके से विदेशी फंडिंग लेने के आरोप में नया मुकदमा दर्ज किया। उन पर आईपीसी की धारा 201, 120 बी और एफसीआरए की 35 सेक्शन लगाया गया। जुबैर की शनिवार को 4 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से उनकी जुडिशियल कस्टडी मांगी। उधर जुबैर के वकील ने उनकी जमानत के लिए याचिका दायर की। नकुल शर्मा पर आरएसएस का बड़ा बयान, कहा उदयपुर की हत्या उकसावे में नहीं बल्कि तालिबानी सोच का नतीजा। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आबेकर ने एक कार्यक्रम में कहा कि उदयपुर में जो हुआ उकसावे पर की गई प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक खास मानसिकता और मान्यता का परिणाम था। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नकुल शर्मा को फटकार लगाई है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा, शिंदे गुट की तरफ से उन्हें भी गुवाहाटी जाने की हुई थी पेशकश। उन्होंने कहा, मुझे भी गुवाहाटी का ऑफर मिला था लेकिन मैं वहां गया नहीं, मैं बाला साहब ठाकरे को मानने वाला हूं, जब सच आपकी तरफ हो तो किसका डर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से अधिक नए मरीज मिले, जबकि 29 मरीजों की मौत हुई। बीते कुछ दिनों से देश में कोरोना केस के आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केस सामने आए। मणिपुर में भूस्खलन के मलबे में दबे सैनिकों का पता लगाने के लिए सेना द्वारा वॉल पेनिट्रेशन रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा स्नीपर डॉग की मदद भी ली जा रही है। सेना के मुताबिक अभी भी मलबे में 12 सैनिक और 26 सिविलियंस दबे हुए हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में पूरे देश से 340 प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी की बैठक में 2 प्रस्ताव आएंगे। पहले प्रस्ताव में राष्ट्रपति के उम्मीदवार से लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार के साथ देश के राजनीतिक मुद्दों को जगह दी गई है। जेईई मेन के पहले सत्र की जून में आयोजित परीक्षा का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया जाएगा। छात्रों की मांग के चलते ही जेईई मेन 2022 के दूसरे सत्र की जुलाई परीक्षा का आवेदन पत्र विद्रोह खोला जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का जल्द ही भाजपा में विलय हो सकता है। दोनों दल के बीच इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर भाजपा सिख समुदाय में एक बेहतर संदेश देने की कोशिश कर सकती है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार जल्द ही अपना पहला कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार कम से कम 5 विधायकों को मंत्री बना जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है। 21 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। सत्ताधारी एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। दोनों ने अपने पक्षों में समर्थन जुटाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। पाकिस्तान में कराची में सैमसंग कंपनी के कर्मचारियों पर ईश निंदा का आरोप। कंपनी 27 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। आरोप है कि कराची के स्टार सिटी मॉल में एक वाईफाई डिवाइस इंस्टॉल किया गया था। इससे कथित तौर पर ईश निंदा की गई। मामला सामने आने के बाद उन्मादियों ने स्टार सिटी मॉल में जमकर तोड़फोड़ की। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी ने कम्युनिटी
हेल्थ ऑफिसर के 2 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार JRHMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के आवेदन की अंतिम तारीख 10 जुलाई है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भर्तियां 1 साल के लिए की जा रही है। उम्मीदवार 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए न्यू असेसमेंट गाइडलाइन पेश की है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब छात्रों का मूल्यांकन करिकुलर नॉलेज की जगह उनकी अलग अलग वास्तविक जीवन स्थिति में अपनी समझ को लागू करने की उनकी क्षमता के आधार पर किया जाएगा। दिल्ली के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभित सिंह ने GB रोड दिल्ली में रह रही प्रोस्टिट्यूट वर्करों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन देने का बेड़ा उठाया है। कोरोना के दौरान इस इलाके में सैनिटाइजर पैड बांटने गई डॉक्टर सुरभि के दिमाग में ये विचार आया था। डॉक्टर सुरभि अपने NGO सच्ची सहेली चलाती है। इसी NGO के अंतर्गत उन्होंने ये मुहिम चलाई है। पिछले दिनों बॉलीवुड में ऐसी चर्चा थी कि शाहरुख खान की फिल्म जवान में साउथ के सुपरस्टार और बाहुबली सीरीज के विलेन भल्लाल देव यानी राणा दग्गुबाती भी नजर आने वाले हैं। चर्चा ये भी थी कि वो जवान विलेन का रोल निभाकर फिल्म का लेवल और बढ़ा देंगे। अल्लू अर्जुन की पुष्पा पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी। रिपोर्ट की माने तो पुष्पा के दूसरे भाग पर काम शुरू हो गया है। एक तरफ जहां सुकुमार प्रशांत नील की KGF चैप्टर 2 की सफलता के बाद पुष्पा द रूल की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है। तापसी पन्नू जल्द ही अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा में नजर आने वाली है। दोबारा के जरिए पहली बार फैंटासिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की एंट्री हो गई है। ये पहली भारतीय फिल्म बन गई है जिसे इस फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अपनी अपकमिंग फिल्म लाइगर से अपना धमाकेदार पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर में विजय न्यूड पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर के आने के बाद से विजय ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। मॉनसून के आगाज के साथ ही तापमान में गिरावट नजर आने लगी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई के पहले सप्ताह में मुंबई से लेकर राजस्थान और बिहार तक भारी बारिश के आसार। GST को लागू हुए 5 साल पूरे हो गए हैं और टैक्स कलेक्शन ने इस मौके पर सरकार को अच्छी खबर दी है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने जून महीने में GST से हुए रेवेन्यू कलेक्शन के आंकड़े जारी किए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में GST कलेक्शन सालाना आधार पर 56% बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया। साल 2022 का 6 महीना निकल गया है। इन 6 महीनों में शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव नजर आया। 2022 के पहले 6 महीने में बाजारों में 2 अंकों की गिरावट देखी गई है। बेंचमार्क निफ्टी 50 और सेंसेक्स इस साल अब तक 11% से ज़्यादा गिर चुका है। यानी पिछले 6 महीने में शेयर बाजार के निवेशकों को निराशाजनक हार हासिल हुई है। मुथूट फाइनेंस के निवेशकों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन मुथूट फाइनेंस के शेयर की अचानक खरीदारी बढ़ गई। इस वजह से कंपनी के शेयर का भाव 1,000 रुपये के स्तर को भी पार कर गया जिससे निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। कई बार लोगों को लगता है कि LPG कनेक्शन लेने के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सिर्फ मिस्ड कॉल के जरिए भी कनेक्शन ले सकते हैं। इंडियन ऑयल की ओर से सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए समय समय पर इसकी जानकारी दी जाती है। हायुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के लिए पिछला महीना काफ़ी अच्छा रहा। जून 2022 में कंपनी ने 21% सालाना बढ़ोतरी के साथ मई के मुकाबले करीब 16% की मंथली सेल में तेजी दिखाई। इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि हायुंडई मोटर्स ने टाटा मोटर्स को कार सेल्स के मुकाबले जून में पछाड़ दिया और फिर से इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई।
हमारा आज का सवाल है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।